आपने सही कहा, मैं डॉक्टर पाठक के पास आता हूँ, फिर मैं ठाकर जी के पास और नीनू जैन जी के पास आऊंगा। इससे पहले दर्शकों आपको मैं बता दूं कि इस समय न्यूज लॉन्चर पर मेरा एक एपिसोड आया है, राहुल गांधी ने दो चिट्ठियां लिखी हैं, उन चिट्ठियों का लबोलुआब क्या है वो पूरा मैंने उसके अंदर दिया है। दरअसल जिस दिन राहुल ने 2 दिन पहले दो चिट्ठियां लिखी हैं, मैं उस चिट्ठी की बात नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लिखी, मैं उन चिट्ठियों की बात कर रहा हूं जिसकी बदौलत शायद वो दुनिया के एक बड़े स्टेट्समैन जो होते हैं ना उसकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एक चिंतक और एक दार्शनिक बनकर सामने आते हैं। महात्मा गांधी अपनी चिट्ठियों से भी जाने जाते हैं, जब वो चिट्ठियां लिखा करते थे दुनिया के महान व्यक्तित्व को या व्यक्तियों को, भारत में भी और बाहर भी, तो वो चिट्ठियां जो आर्काइव्स में आज भी पढ़िए तो उससे उनका चिंतन और दर्शन जाहिर होता है कि महात्मा गांधी की सोच क्या थी, और वो उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राहुल गांधी ने दो चिट्ठियां लिखी और वो चिट्ठियां बड़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि अब वो चिट्ठियों को इलेक्ट्रॉनिकली प्रेषित किया जाता है। एक चिट्ठी लिखी उन्होंने ऋषि सुनाक को और एक चिट्ठी लिखी उन्होंने कीर स्टार्मर को जो कि ब्रिटिश नए प्रधानमंत्री हैं, और बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है। मैंने उस एपिसोड के अंदर बहुत डिटेल में बताया कि उन्होंने किन शब्दों का उपयोग किया है और किस ढंग से चिट्ठी लिखी गई है, जो शायद राहुल गांधी के व्यक्तित्व की मैच्योरिटी जो है, अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम है, उसको शो करता है। मैंने उसके अंदर, आप देखेंगे न्यूज लॉन्चर पर इस टाइम वो एपिसोड है, मेरे चैनल पर भी कल आ जाएगा वो। तो उन चिट्ठियों से एक स्ट्रोक के अंदर राहुल गांधी ने अपनी एक अंतरराष्ट्रीय स्टेट्समैन की छवि को न केवल सुधारा है बल्कि और इम्प्रूव हो गया है। जहां मोदी जी ने एक तरफ टेलीफोन पे बात की है, राहुल ने चिट्ठी लिखी है और ये भी आशा की कि जल्दी की स्टार्मर से कि मैं आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा तो और भी बातें होंगी। मुझे लगा कि ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए थी, मैंने पढ़ी, मैंने पढ़ के उसका पूरा एपिसोड बनाया और मुझे खुशी हुई कि लोगों ने उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। तो राहुल की चिट्ठी तहलका मचा रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक दिन के अंदर वो मैच्योर होकर एक बहुत बड़े स्टेट्समैन के लेवल पे आ गए दुनिया में। राकेश पाठक जी, बजट आएगा, बजट के बाद फिर वही लड़ाई झगड़े, रस्सा कशी, खींचतान, लेकिन यही वो जगह है जहां से तलखियां शुरू होंगी, देखा जाएगा। डॉक्टर पाठक धन्यवाद। दिनेश जी, आपने चिट्ठियों का जिक्र किया और गांधी जी का भी उल्लेख किया। आज इस दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता, आज से 100 साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े विद्वान टॉलस्टॉय के साथ पत्र व्यवहार करते थे। मैंने एपिसोड बनाया है गांधी जी पर, उसमें बताया है, सब जानते हैं लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, तो आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी नहीं हुए थे, तब 1909-1910 में टॉलस्टॉय को भी चिट्ठी लिखते थे। वो चिट्ठी इंग्लैंड से होते हुए सुदूर कहीं रूस में किसी कोने में बैठे हुए टॉलस्टॉय के पास जाती थी, अंग्रेजी में लिखी गई चिट्ठी का रूसी में अनुवाद होता था, फिर टॉलस्टॉय उसका रूसी में उत्तर लिखते थे, उसका अनुवाद फिर अंग्रेजी में होता था, फिर वो महीनों की यात्रा करके गांधी जी तक पहुंचते थे। गांधी जी ने तो हिटलर को पत्र लिखे, एडोल्फ हिटलर को पत्र लिखे उस समय। गांधी जी जब ट्रेन में सफर करते थे तीसरे दर्जे में, तो आमतौर पर पूरे समय में चिट्ठियां लिखते रहते थे और अगले स्टेशन से उसको पोस्ट कर दिया जाता था। जहां तक सवाल राहुल गांधी की चिट्ठियों का, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वह स्टेटमैन के दर्जे पर पहुंच गए। असल में हमारे देश की राजनीति में लोग राजनीति और राजनय का अंतर नहीं समझते, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। यद्यपि राहुल गांधी अभी सिर्फ लीडर अपोजिशन है, लेकिन वे एक शेडो प्राइम मिनिस्टर की तरह, एक छाया प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जैसे आज की गतिविधि देख लीजिए, आज सुबह 5:30 बजे निकल गए, असम में बाढ़ पीड़ितों से मिले, अब वे मणिपुर पहुंच चुके हैं। एक साल में तीसरा दौरा है राहुल गांधी का मणिपुर का, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक साल में 3 बार मणिपुर शब्द का उच्चारण भी शायद नहीं किया, 2 बार किया जहां तक मेरी जानकारी है, तीसरी बार मणिपुर शब्द भी उनकी जिह्वा पर नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये तो राहुल गांधी की प्रसंगवश बातचीत हम लोगों ने कर ली। अब जो सवाल है कि आने वाले कल में जो बजट सत्र आने वाला है, सरकार के सिर पर जो तलवार लटक रही है, जो आपने हैंगिंग सॉर्ड कहा, उस दिन से उसकी डोरी धीरे धीरे और नीचे की तरफ आएगी, सरकार की गर्दन और सिर की तरफ आना शुरू होगी। खासतौर से जो दोनों राज्य हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश, जिनके जिनकी पार्टियों और जिनके नेताओं की दम पर यह सरकार बनी है, उनकी जो मांगे हैं
स्वाभाविक है, हर राज्य उस राज्य का मुख्यमंत्री, वहां की जनता, वहां के राजनेता, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अपने अपने राज्यों के लिए कुछ ज्यादा पाने की हसरत रखते हैं। और ऐसे में जबकि सरकार उनके भरोसे चल रही हो तो सौदेबाजी का मौका उनके हाथ में होता है। आपने बताया 1 लाख करोड़ का अनुदान उन्होंने मांगा है अलग से केंद्र सरकार से, विशेष राज्य का दर्जा मांग ही रहे हैं। इसके बावजूद दिनेश सर मुझे दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। हो सकता है नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ की जगह 50,000 करोड़ अपने बजट में रख दें, फिर टुकड़ों टुकड़ों में देते रहें, क्योंकि वे तो दाता हैं। बिहार के चुनाव में आपको याद होगा किस तरह से वे पूछ रहे थे कितने हजार करोड़ दे दें, 25,000, 50,000, 1.25 लाख करोड़ कर देता हूँ, बाजीगरों की तरह बढ़ाते चले जा रहे थे। और गिरीश सर, आज तक बिहार को कुछ नहीं मिला उस भाषण के बाद, आज तक प्रधानमंत्री की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को अतिरिक्त कुछ नहीं मिला जिसका वादा प्रधानमंत्री कर रहे थे। मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरे विषय हैं सर। मुझे लगता है कि ये सब अनुदान वनदान दे देंगे मोदी जी, थोड़े बहुत सरकार चलानी तो कौन सा फर्क पड़ना है, कौन सा उन्हें अपनी जेब से देना है। यद्यपि जब वे बोलते हैं तो कहते हैं मैं दे दूंगा, तब वे सरकार नहीं होते, मैं होते हैं, दाता होते हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो विषय अब आने वाले समय में आएंगे वो आएंगे नीतिगत और सैद्धांतिक। देखिए, चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में अपने वोटर्स, अपने खास मतदाता समूह मुसलमानों से मुंह नहीं मोड़ सकते। वे किसी भी तरह नरेंद्र मोदी की इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति के साथ खड़े हुए नहीं दिख सकते। अगर वे दिखेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें अपने राज्य में भुगतना पड़ सकता है। वे अपने राज्य में 4% आरक्षण की बात करेंगे, मुसलमानों को दे रहे हैं। वे हज की सब्सिडी देना मदरसों को और तमाम पूजा स्थलों को अतिरिक्त अनुदान देने की बात करेंगे। और जैसे ही केंद्र में बैठा हुआ कोई मंत्री अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह जैसा, अनुराग ठाकुर तो इस बार मंत्री भी नहीं बने भगवान की कृपा से, लेकिन कोई अगर ऐसे बोलेगा गोली मारो सालों को, तो चंद्रबाबू नायडू को बहुत परेशानी होगी। इसी तरह बिहार में जातिगत जनगणना की बात होगी, सदन में उनके सांसद अगर इसकी बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी कैसे बर्दाश्त करेंगे, या नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इसके खिलाफ बोलेंगे जाति आधारित जनगणना की, तो इसका क्या जवाब होगा। अग्निवीर योजना के पक्ष में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बोलती रही है, वे फिर बोलेंगे। तो मेरे लिए ये अनुदान वगैरह विशेष दर्जे की मांग उतने महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय ये है कि नरेंद्र मोदी अपने इन दोनों साथियों को कैसे साधेंगे इन विषयों में। या तो पूरी तरह वे छोड़ देंगे अपनी सांप्रदायिक राजनीति को, पूरी तरह उन मुद्दों पर खामोश हो जाएंगे जब तक कि उन्हें सरकार चलानी है, और जरा भी बोलेंगे तो ये लोग सवाल उठाएंगे, तब उल्टी गिनती शुरू होगी। दिनेश जी, फिर भी मैं ये मानता हूँ सरकार कोई बहुत जल्दी करने वाली नहीं है। थोड़ी थोड़ी असहजता, रूठा मनाई चलती रहेगी, कभी कोई रूठ जाएगा, कोई मनाने जाएगा। हम सब लोग तो उस दौर के पत्रकार हैं जिन लोगों ने अटल बिहारी की सरकार में जयललिता को रूठते हुए देखा, ममता बनर्जी को रूठते हुए देखा, कभी सुषमा स्वराज मनाने जा रही है, कभी अरुण जेटली जाया करते थे, कभी कोई और जाता था, कभी प्रमोद महाजन मनाया करते थे। एक बार फिर ये देश उस दौर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी एक मोटी वजह ये है सर कि नरेंद्र मोदी को सबको साथ लेकर सरकार चलाना नहीं आता, न राजनीति करना आती है। उनके पास वो तजुर्बा नहीं और उनकी फितरत भी नहीं है, उन्हें शऊर भी नहीं आता है कि दूसरों को साथ लेकर कैसे सरकार चलाए, क्योंकि वे तो एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, वे तो स्वयं को ही अवतार अविनाशी मानते हैं। ये भाव अपना भुलाकर अगर वे सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो ही सरकार ठीक से चल पाएगी, वरना अगर वे एको हम द्वितीयो नास्ति के विचार के साथ सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत गतिरोध आने वाले हैं। जी दिनेश जी,